प्रयागराज के बाद अगर कहिएगा तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, जो क्राउड देख रहे हैं, सभी बिना पैसा का भीड़ है। सभी लोग अपने गाड़ी में तेल डाल करके अपने खर्चे से सभी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और कुल मिला करके देखा जाए तो ये। और दोस्तों दुलमी प्रखंड के अभी बोंगा सूरी गाँव में आए हुए हैं और देख सकते हैं बहुत जोरदार तरीके से भव्य स्वागत किया जा रहा है संजय मेहता जी का। हजारीबाग लोक क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि संजय मेहता जी पहुंच चुके। तमाम बोंगा सूरी के लोग यहां पर देखिए किस प्रकार से अपना समर्थन देने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। जोहार जोहार। और देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से कुर्सी टेबल लगाया गया है। गाड़ी रोड से साइड कर दीजिए क्योंकि आने जाने में आदमी का दिक्कत हो रहा है। गाड़ी आगे पीछे करके साइड कर दीजिए क्योंकि एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना है। और हमारे हजारीबाग के सांसद प्रतिनिधि संजय मेहता जी पहुंच चुके हैं और वो अपना विचार को रखेंगे। सबसे अनुरोध है कि दो मिनट इनका बात को सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। धन्यवाद। और देख सकते हैं अभी केंद्रीय कमेटी टीम के काफी सारे मेंबर यहां पर पहुंचे हुए हैं। पनेसर जी मौजूद है, लीलावती जी मौजूद है, रूपा दी है, सुदर्शन महतो जी है, तमाम लोकसभा के केंद्रीय कमेटी के सदस्य यहां पर आए हुए हैं। संजय मेहता का आगमन हो चुका है। आप अगल बगल कहीं भी है भाई तो सामने आ जा, कहीं कुछ ही देर में अगर विचार तो शुरू कर जाते। और जितना भी हम इनके गणमान्य व्यक्ति सब घूर रहा या तो इनके चाहबों के अपन आसन करा। मांडो जी आपसे दो सवाल रहेगा मेरा। आप बोंगा सूरी गांव में अभी पहुंचे हुए दुलमी प्रखंड में, इतना सारा भीड़ देख रहे हैं, बच्चे बूढ़े महिलाएं सबको यहां पर पहुंचे हुए, कैसा जन समर्थक यहां पर जन समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? जेबी के जन समर्थन मिल रहा है और ये जन समर्थन के साथ साथ विजयी का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये 4 जून को एक सांसद के रूप में देखिएगा, ये विजय जुलूस भी निकलेगा। इसी तरीके से हम लोगों को अपार जन समर्थन मिल रही है। दादा 24 साल 23 साल खत्म हो गया, क्या आप इसे पहले भी चुना हुआ करते थे? क्या आप ऐसा भीड़ देख पाते थे किसी पार्टी में? और देख सकते हैं अभी स्वागत किया जा रहा है पांडव महतो जी को, जो का अगर पहले अगर देखा जाए तो ऐसा कभी हुआ नहीं। आज अलग राज्य के बाद अगर कहिएगा तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी आप यहाँ भीड़ देख रहे हैं, जो क्राउड देख रहे हैं, सभी बिना पैसा का भीड़ है। सभी लोग अपने गाड़ी में तेल डाल करके अपने खर्चे से सभी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और कुल मिला करके देखा जाए तो ये लाखों लाख रुपया खर्चा करके जनता यहाँ आ रही है, घूम रही है। ये बदलाव का संकेत है। और जो हमारा जो लड़ाई चल रहा है जल जंगल जमीन का 1932 का, हमारा लड़ाई जो है हमारा लड़ाई अंतिम मुकाम पर है और हम लोग अब जीत हासिल करने वाले हैं। क्या इसको जीत तय मान सकते हैं पूरा? 110% इसको कोई दुराय नहीं, किसी कोई माय का लाल नहीं है जो चुनाव को रोक पाएगा। हमारा सांसद प्रत्याशी जो है संजय मेहता को रोक पाएगा, कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ। हजारीबाग जेबी के से जो है अपना सीट निकाल रही है 110%। यानी बोल सकते हैं कोई नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में ना। जबरदस्त खाली वो लोग फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बाकी जेबी के से हजारीबाग का सीट निकाल चुकी है, फॉर्मेलिटी बाकी है। चलिए देख सकते हैं अभी विजय पता करने की बात कही जा रही है। इतना ही बोल के हम अपन वाणी विराम कर रहे हो। जय झारखंड, जोहार झारखंड। संजय दा ठीक है, एक बार इन्हें सुनना है। सबके झारखंडी जोहार है, सब चाची सबके, दीदी सबके, माई सबके, और जहां तक भी हमारा आवाज जा रहा है सबके झारखंडी जोहार है। आज ही गांव में आवे के मकसद ही है कि हमने झारखंड में जो लड़ाई लड़ ली है, वो लड़ाई के बाद हमें एक फैसला कर लिया है कि अब हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। पहले पुलिस से लड़ो लिए, शासन प्रशासन से लड़ो लिए, कंपनी से लड़ो लिए, अब हमने चुनाव लड़े ला लिया है। एकर मतलब ये नहीं समझ लेना है कि हमनी के कोई अपन मकसद है कि नेता बन करके और अपन खाली घर में आराम करना है और ऐसे माला पहन करके जनता के ठग देना है। अभी तक तो यही होते
तो सबसे ज्यादा सवाल यह पूछल जा रहा है कि बाबू तोहनी वोट मांगे रहला तोहनियो तो जीत के नहीं बदल जेबा। तो सबसे पहला बात कि नेता के लेकर के यह बात दिमाग में आओ है जब ऐतो वोट के समय तो नेता है तू वोट मांगत हो भागतू और चल और अगर बात कुछ जनता के काम ना करत हो तो हमने जो 3 साल से काम कर ले जितना आदमी मोबाइल में वीडियो देखे थो सबके बात पता होता है कि हमने आखिर का कर ले है। और पूरा बात झारखंड जानो है कि बिना पावर के बिना कोई ताकत के बिना कोई पद के जीतले बिना कोई वार्ड सदस्य बनले जे भी कैसे झारखंड में 15-20 करोड़ रुपया मुआवजे दिल के मजदूर किसान के। और यह हम इनके सच्चाई है कि हमें ईमानदारी से काम करो ये इसलिए हमें कभी बदले वाला आदमी ना आई बात के तो इनके भरोसा रखना तो इनके पता है ना ये बात। अभी सिक्रीम जो घटना भल है ओकरा में क्या लड़ रहे सुदर्शन सर यहाँ है हम ही लोग ने लड़े सर है तो यही बात है कि पूरा जेबी कैसे टाइगर जयराम मातो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सब खतियानी बेटा बेटी हिंदू मुसलमान किसान के बेटा मजदूर के बेटा प्लांट के मजदूर सब झारखंड में एकजुट हो गल थी। हाँ खाली 2-4 गो आदमी हमें साथ न थी के जे कोयला बेच ले थी जगह कोयला के खदान है जगह पत्थर के खदान है तो हम कहिए कि अरे पत्थर के खदान के माफिया कोयला के खदान के माफिया के साथ की भी जरूरत नहीं है हमें उस साथ की जरूरत है जो हाथ प्याज कोड़ता है जो हाथ यहाँ पर गेहूं उपजाता है धान उपजाता है वैसे हजारों हाथों की जरूरत है और उन्हीं हाथों से आशीर्वाद चाहिए और इन माँ बहनों ने आशीर्वाद दिया है और सब गोटे आशीर्वाद दले थी यह आशीर्वाद के ताकत के बल पर हमें झारखंड में सबके जगह ले है। पहला लड़ाई बात क्या है कि झारखंड में अपन माटी के बेटा के सांसद बनाना है अपन माटी के बेटा बेटी के सपोर्ट करना है। दूसरा लड़ाई बात क्या है कि पैसा दारू मुर्गा पर जो वोट न होती ओकरा नहीं देना है। तीसरा लड़ाई बात क्या है कि झारखंड के अंदर जितना भी हमीन के खेतिहर मजदूर किसान के जमीन है वो जमीन पर सबके नजर है भैरवी जलाशय है डैम बन रहा है कितना आदमी के आज तक मुआवजा नहीं मिला होता सही से मुआवजा ना मिले बहुत सारा बात है ऐसा ये बात के भी समझना है कि जितना भी जमीन झारखंड में लौल गला है ओकर विस्थापित आदमी के आज तक सब जमीन में कहीं भी ढंग के मुआवजा नहीं मिल रहा है मतलब जितना सरकार के योजना वो है ओकर नजर जमीन पर तो रहो है लेकिन वो मजदूर किसान कहाँ जेता है ओकर बाद ओकर कैसे गुजारा होता है ओकर घर द्वार कहाँ बनता है इस सब पर कोई चिंता नहीं रहा है पूरा झारखंड के जमीन लुटा रहा है नौकरी लुटा रहा है। और एक जो सबसे बड़ा बात हुआ है जकर से जनता की आवाज को उठो है जहां पर नेता सांसद विधायक बनो थी ओकरों पर कब्जा है इसलिए हम लोगों की लड़ाई इस बात की है कि अगले 5 साल में माटी का लाल लोग कमाल दिखाएगा और आप लोगों को इस बार साथ चाहिए आप लोगों के ही बुनियाद पर ये लड़ाई जीतेंगे ये कहना चाहता हूँ आप सबसे। अगर अबरी हमने लड़ाई के ना जीतो पारवा तब 3 साल में जितना आदमी हमी से खूनस खेलतू हा जितना आदमी झिड़को रहत हो जितना थाना पुलिस एसपी डीसी आज डरो लगलत हो अगर कल के डेट में पावर ना दबा कुछ आफत दिक्कत ऐता हो तब फिर वह राजनीति होता कि अपन आदमी के फर्जी केस मुकदमा में उलझा करके भेज देना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी हो कि अपन आदमी के हाथ में पावर दे देना ताकि जो शोषण हो रहा है जो जुर्म हो रहा है उनके खिलाफ लड़ाई जाए हम इन सही जगह पर लेकर के जाइए। तो तोहिन के यह बात मोटा मोटी हम समझावे लगियो हा कि अपन जे वो माटी के बेटा निकल रहे एकदम साधारण घर से जोकर माए आज भी झोरी काठी चुन करके अपन घर में खाना बनेले है और ओकर बेटा स्कॉर्पियो पर चढ़ करके पूरा झारखंड के जगेले है तो ऐसा आदमी के मदद करना है हेलीकॉप्टर जहाज पर उड़े वाला आदमी के मदद नहीं करना इस बात के तोहिन के संकल्प लो पड़ता है। और जितना भी झारखंड में हथी सब पूरा आदमी सब कहल थी कि तोहनी खाली एक जगह पर आंदोलन करो खाली बोकारो और धनबाद के आंदोलन हको एक वो जाति तक तोहिन के आंदोलन आओ हम काली करे कैसे ये झूठ बात बोलते हैं सामने सानिया बैठी है सामने हमारा रिजवान भाई है फरजान भाई है और तमाम साथी लोग मिलकर के हम लोग पूरा झारखंड के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किए तो ये पूरा जेबी केसेस का संगठन जो है ये सबका संगठन है झारखंडियों का संगठन है ये झारखंड की माटी के लिए लड़ने वाले लोगों का संगठन है ये किसी एक जाति का नहीं है एक एक झारखंडी का संगठन है और इसी संगठन के बुनियाद पर हम लोग इतिहास बनाएंगे इस बात का भरोसा रखिए। पूरा दिल्ली तक ही बात के चर्चा है आए चाची साहब दीदी साहब ये गांव घर के अगर लड़का के
कोई आदमी दिल्ली में चर्चा कर ले है प्रधानमंत्री के साथ बैठे वाला आदमी जब प्रधानमंत्री के साथ उठो बैठो थी उतने ना प्रधानमंत्री सब ये बात के चिंता कर ले थी कि कैसे 14 सीट में जो 12 सीट लाए थे अबरी बचाएंगे। अबरी तो एक लड़का खड़ा हो गया है टाइगर देहराम तो खदियानी खदियानी कह रहा है हम लोग को भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। वो सब आदमी भी आप खदियानी खदियानी ढूंढने चल रहा है कोई आदमी एने से एने उछल रहा है कोई आदमी होने से उछल रहा है ये सब हम इन के प्रभाव है। तो हम लोगों की पहली जीत इसी बात पर हो गई कि बड़े बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी अब खदियानी खदियानी कर रहे हैं। तो पहली लड़ाई जब हम लोग जीत गए हैं तो दूसरी लड़ाई 4 जून को भी जीत जाएंगे इस बात का भरोसा रखें।